हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ, ये उन सब के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेंगी जो चाहते हैं कि उनकी स्किन हमेशा बेबी सॉफ्ट रहे और ग्लो करती रहे। और इसके लिए आपको मार्केट जाने की भी नीड नहीं पड़ेगी। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली आपके किचन में अवेलेबल होंगे। हम लोग डेली उसको यूज़ करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी स्किन केयर के साथ साथ हमें जो है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं, वो हमें बहुत ही हेल्दी लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारी स्किन इंटरनली अच्छी रहेगी, हमारी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाइड रहेगी, तो हमारी जो स्किन है वो अपने आप ही ग्लो करेगी। तो चलिए, आज की जो रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, इसको आप अपनी स्किन पे यूज करके बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग भी एक्ने की प्रॉब्लम से परेशान है, या फिर जो स्किन है उसके ऊपर एक्ने के स्पॉट्स रह रहे हैं, अगर अनइवन स्किन टोन हो रही है, पिगमेंटेशन आ रही है, तो ये जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ना, ये एक इंग्रेडिएंट के अंदर आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप इसको रेगुलर इंटरवल पे, आपको बस इसको यूज करने की नीड है। तो जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं, इसके लिए हमें चाहिए होगा ग्रीन टी। हम सब जानते हैं कि ग्रीन टी के कितने अमेजिंग हमारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, हमारी बॉडी के लिए वो कितना अच्छा होता है। तो उसके साथ साथ अगर हम इसको एक्सटर्नली भी अप्लाई करेंगे, तो ग्रीन टी में जो हमें मेन कंपाउंड मिलेगा, वो हमें मिलेगा कैचिन, जिससे हम सब जानते हैं कि ये हमारी जो स्किन की इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करेगा। उसके साथ साथ जो हमारा फेस के ऊपर सीबम ऑयल जो बढ़ता है, ये उसको रोकने का काम कर। तो इसमें हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो जैसे कि इसमें विटामिन ई और B2 जो हमें मिलेगा ना, वो हमारी स्किन को हाइड्रेट और नरिश करने के साथ साथ इसको बहुत ही सॉफ्ट रखेगा, ग्लोइंग बनाएगा, और जितने भी हमारे एक्नेज हो रहे हैं या एक्ने के स्पॉट्स हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करने में ये 100% इफेक्टिव रहेगा। उसके साथ साथ आप जानेंगे कि ग्रीन टी जो है वो हमारी स्किन को रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, न्यू सेल्स फॉर्म करेगा। और इसमें हमने साथ में ऐड करा है एलोवेरा जेल और हनी। तो ये दोनों ही जो इंग्रेडिएंट है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में, नरिशमेंट देने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट रहता है। और स्किन टाइट में हमें पता है कि हनी कितना यूजफुल होता है। अगर हम मार्केट के आप किसी भी अच्छे प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट देखोगे, तो उसमें जो हनी है, स्किन टाइटनिंग प्रोडक्ट्स में आपको हनी जरूर एड ऑन मिलेगा। तो चलिए, इस रेमेडी को मैं बताती हूँ कि आपको इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के किस तरीके से यूज करनी है। तो इसके लिए मैंने लिया है ग्रीन टी। ये ग्रीन टी जो है वो वेट है, उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के अराउंड एलोवेरा जेल। ये होममेड एलोवेरा जेल है, आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका ये जो रेमेडी है ये थोड़ी थिक हो रही है, तो आप इसमें रोज वाटर डाल के इसको डिल्यूट कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा फेस पैक रेडी हो गया है। तो आपने इसको किस तरीके से यूज करना है, आपने अपना फेस वॉश करके इसको अपने फेस पे 2 to 5 मिनट सर्कुलर मोशन में बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ आप मसाज करेंगे। उसके बाद आप 15 to 20 मिनट्स इस पैक को अपने फेस पे लगा रहने देंगे। उसके बाद आप इसको वॉश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो पहले से बहुत ज्यादा ब्राइटन हो जाएगी और ग्लो करने लग जाएगी। तो इस फेस पैक को आपको रेगुलरली वंस इन अ वीक जरूर अप्लाई करना है। और आप इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखेंगे जो जो स्किन है वो पहले से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, और आप देखेंगे कि बहुत ग्लो आपके फेस के ऊपर आ जाएगा। इस फेस पैक को आप वंस इन अ वीक यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ ही बना है। तो अगर आपको आज की ये रेमेडी पसंद आए, तो आप मुझे जरूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए कि आप और किस तरह की रेमेडीज, किस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। टिल देन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ब्यूटिफुल, स्टे यंग, स्टे हेल्दी। बाय बाय।